नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं स्वस्तिक चिन्ह के बारे में। जैसा कि स्वस्तिक का निशान हर मांगलिक कार्यों में बनाया जाता है शुभता के लिए, और इसके पहले मैंने आपको इससे संबंधित एक वीडियो दी है कि हमें स्वस्तिक का निशान कब और कहाँ कैसे बनाना चाहिए। जैसे स्वस्तिक का निशान अलग अलग मौके पर, यानी कि जैसे आपका शुभ मांगलिक कार्य जिस तरह का हो, उस मनोकामना हेतु अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और अलग अलग चीजों से भी बनाया जाता है। जैसे कि आप हल्दी कुमकुम से बना सकते हैं, या फिर आप रोली और देसी घी से बनाते हैं, सिंदूर और शुद्ध घी से भी बनाया जाता है, गाय के गोबर से भी स्वस्तिक का निशान बनाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों से और अलग अलग तरह से स्वस्तिक का निशान बनाया जाता है। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे चेकआउट अवश्य करें। और इस वीडियो में हम आपको स्वस्तिक के प्रकार, यानी कि किस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हम स्वस्तिक का चिन्ह बना सके। और दोस्तों, हम ये भी आपको जानकारी देंगे कि स्वस्तिक का निशान बिना कट किए, जैसे जब भी बनाते हैं तो लोग पहले प्लस का निशान बना लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर स्वस्तिक का इधर उधर जो चिन्ह होता है वो बनाते हैं, तो बिना कट किए हम कैसे स्वस्तिक को बनाएं जो कि हमारे लिए शुभ हो। कट का निशान लग जाने से शुभता कम हो जाती है। दोस्तों, इस स्वस्तिक का लाभ आप इस लाभ पंचमी पर ले सकते हैं, जो कि 1 नवंबर को लाभ पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त वगैरह हम आपको देंगे कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। क्योंकि पंचमी तिथि इतनी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है कि इसमें बहुत ज्यादा मुहूर्तों का हमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ और विशेष होता है, उसी तरीके से यह लाभ पंचमी का पर्व भी होता है। जैसे दीपावली पे हम माता लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से लाभ पंचमी पर भी भगवान गणपति बुद्धि के दाता और धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और ज्यादातर यह व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दुकान में करते हैं। लाभ पंचमी का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। आप चाहे उसे दुकान में करें, या अपने घर पे शुभता के लिए करते हैं, या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं। किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो आप लाभ पंचमी का लाभ अवश्य उठाएं और इन स्वस्तिक के चिन्हों के साथ में। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद जब बेल का निशान आएगा उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पूजा पाठ में, जैसे कि सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, जैसे कलश बनाया जाता है या फिर दीपक का चयन हम करते हैं, पूजा में इन सभी चीजों का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। दीपक पूजन या दीपक हम जलाते हैं, कलश का निर्माण, तो ये सभी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है कि हमें कब किस मौके पर किस तरह का कलश का निर्माण करना चाहिए, किस तरह का दीपक प्रज्वलित हमें करना चाहिए, कितने मुखी का दीपक कब और कहाँ लगाना चाहिए। ये सभी विशेष जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। यदि अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं चेकआउट करी है तो प्लीज आप उसे अवश्य चेकआउट करिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवश्य दे देंगे। तो इस वीडियो में स्वस्तिक के प्रकार हम जानेंगे कि कितने प्रकार के स्वस्तिक हम बना सकते हैं और अलग अलग शुभता के लिए अलग अलग तरह के स्वस्तिक बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि गणेश भगवान की पूजा में किस तरह के स्वस्तिक बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पूजा जब भी हम शुरू करते हैं तो भगवान गणपति की आराधना करते हैं और उनका स्मरण करते हुए हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो ज्यादातर यही स्वस्तिक का चिन्ह बनाने की परंपरा होती है। तो इस स्वस्तिक को हम कैसे बनाएं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसी तरीके से भगवान गणपति के पूजन में स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि माता दुर्गा, नव दुर्गा के पूजन में, जैसा कि नवरात्रि का पूजन किया जाता है, उसमें नव दुर्गा की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें किन स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। तो जैसे हम गणपति पूजा में स्वस्तिक का निशान बनाते हैं, उसी तरीके से उसके अंदर जो बिंदियां लगाई जाती हैं वह शक्ति का प्रतीक होती हैं। तो इसलिए नव दुर्गा यानी माता दुर्गा के पूजा में
इस तरह के स्वास्तिक का निशान आपको अवश्य ही बनाना चाहिए। श्री यंत्र में इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनाकर श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह का श्री यंत्र के साथ में हमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इस तरह का स्वास्तिक का निशान होता है उसे महाकाली के पूजा में बनाया जाता है। तो ज्यादातर ये उल्टा दिखता है देखने में, लेकिन जब महाकाली की पूजा तंत्र विद्या के लिए की जाती है, ये विशेष साधना में इस तरह के स्वास्तिक का निशान बनाने का विधान बताया जाता है। यहाँ पर आपको जो स्वास्तिक का निशान दिख रहा है वह त्रिशक्ति का प्रतीक है। इसमें तीनों प्रकार की शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं इस स्वास्तिक के निशान से। पहले आपको त्रिशूल का निशान दिख रहा है, उसके नीचे ओम का निशान है और उसके नीचे आपको स्वास्तिक, यानी ये त्रिशक्ति का सूचक है। और इससे ये भी तंत्र विद्या यानी महाविद्या की प्राप्ति के लिए आपको इस तरह के निशान बनाने की आवश्यकता होती है। जो हमारे आचार्य पुरोहित होती हैं वह आपको इसकी जानकारी अवश्य देते हैं, लेकिन आपको भी इस तरह की छोटी छोटी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई कार्य करें तो आपको पहले से इसका ज्ञान हो। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किस तरह के स्वास्तिक का निशान बनाया जाना चाहिए, आप इस तरह से चित्र में देख सकते हैं कि चारों तरफ से धन लाभ के लिए, ऐश्वर्य के लिए जब भी हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उसमें इस तरह के स्वास्तिक का निशान बनाने का विधान बताया गया है। जब भी हम अपनी पूजा सामग्री पूजा की थाली में रखते हैं तब पर भी उसमें हम स्वास्तिक का निशान बनाते हैं, तो उसमें किस तरह से स्वास्तिक बनाया जाना चाहिए या उसके आजू बाजू में हमें क्या बनाना चाहिए वह आप इस चित्र में अवश्य देखें। और इसी तरह से जब भी आप सामग्री की शुद्धि के लिए स्वास्तिक का निशान बनाएं तो इसी तरह का निशान आपको बनाना चाहिए। इस तरह का स्वास्तिक का निशान वास्तु पूजा में बनाया जाता है, जो आपको चित्र में दिख रहा है। जब भी आप भूमि पूजन करते हैं या फिर आप वास्तु दोष के निवारण हेतु पूजा करते हैं तो वास्तु देवता के पूजन में इस तरह के स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, तो हमें उनकी शुभता प्राप्त होती है और हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अष्ट लक्ष्मी पूजन में हम किस तरह के स्वास्तिक का निशान बनाएं, और यह स्वास्तिक का निशान बनाकर यदि हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो हमें ऐश्वर्य धन की वृद्धि होती है, साथ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहती है और हमारे घर में व्यापार में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान रहती हैं। तो आपने ज्यादातर इसी तरह के स्वास्तिक का निशान व्यापारियों के दुकानों पर, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं या फिर जो स्वर्ण का व्यापार करते हैं वह धन लक्ष्मी की पूजा में इस तरह का स्वस्तिक का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो आप घर में पूजा कर रहे हो या अपने दुकान में कहीं भी पूजा करें, धन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अष्ट लक्ष्मी के पूजन में इस तरह के स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये डॉट लगाया है। इस तरीके से आप पहले जिस चीज से भी आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है उसे आप रेडी कर लीजिए। चाहे आप शुद्ध घी और सिंदूर से बना रहे हो जो कि मंदिरों में बनाया जाता है, या फिर आपने हल्दी और कुमकुम से बना रहे हो, या फिर आप कुमकुम से बना रहे हो, चाहे जिस चीज से आपको बनाना है पहले इस तरीके से डॉट लगाना है। तो सर्वप्रथम आपको कैसे डॉट लगाना है वह हम बताते हैं। आप यहाँ पे डॉट को गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 आपको डॉट सीधे लगाने हैं और डिस्टेंस आपका हो सके तो बराबर हो तो ज्यादा शुभ माना जाता है। और 5 डॉट लगाने के बाद में आपको 2 डॉट इधर और 2 इधर लगाने चाहिए, उसके बाद फिर आपको इसके नीचे 2 और इधर से 2, इधर से 2 और इधर से 2, बस इतने डॉट लगाने के बाद आपका एक स्वस्तिक तैयार हो जाएगा। तो अब इसे कैसे करना है वह हम बताते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हम बिना क्रॉस लगाए कैसे स्वास्तिक का निशान किसी भी स्थान पर बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से। ये इस तरह से पहले आपको डॉट लगाना है और उसी डॉट को आपको आपस में मिला देना है, तो आपका इस तरह से स्वास्तिक तैयार हो जाएगा। तो
इस तरह से किसी भी शुभ स्थान पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और इस स्वस्तिक का पूजन भी किया जाता है अक्षत, हल्दी और थोड़े से पुष्प और इत्र द्वारा। इन स्वस्तिकों का पूजन करें और थोड़े से नैवेद्य में कुछ भी मीठा भोग लगाकर और धूप दीप दिखाएं और अपनी पूजा की शुरुआत करें। लाभ पंचमी पर इस तरह का स्वस्तिक आप बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।